ओके, ओनली 6 to 7 स्टूडेंट सर हैव यार है, अटेंडेंस बंद बीन है जॉइन सर, ना। अटेंडेंस बंद है अच्छा, सर, कोई अटेंडेंस बन रहा है। अटेंडेंस बन गया सर। कितने आए थे पिछले क्लास में, कितने स्टूडेंट थे? सर वो भाई चम्मच चलता है सर, BCA का भी रहता है, पहले BSA। ठीक बोला मैं 21 के आसपास। खैर एनीवे, हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड आई थिंक एंड आई थिंक हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, पोजीशन बिफोर तक कर लिए थे और पोजीशन आफ्टर के बारे में बताए थे कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ -1 जो कर रहा है इसको, -1 को हटा देंगे तो यही कंसेप्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आफ्टर पोजीशन ठीक है, आफ्टर पोजीशन। ठीक है, तो इसको हम लोग झट से पहले हम लोग रन करा के देख लेते हैं। तो जो हम लोग बनाए थे प्रोग्राम, उस पर आप लोग में से कितने लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, ईमानदारी से बताइए। अभी जो भी पार्टिसिपेंट है हैंड रेज कीजिए, कितने लोग ईमानदारी से हम जो प्रोग्राम बनाए वो लिखे, रन कराए, रन किया नहीं किया, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, प्रशांत, सूरज, मणिशंकर, 3 2 5, 5 आदमी टोटल हो गए, गुड इवनिंग सर। 3 3 6 आदमी हो गए। गुड इवनिंग, यानी 6 आदमी हैं जो अभी तक बताए हैं उसको लिखें, रन कराएं, रन किया या दिक्कत हुआ, वॉट एवर जो भी हुआ, मतलब इतने लोगों में 5 6 लोग करा रहे हैं, यानी 25% का रेशियो चल रहा है प्रोग्राम लिखने का बनाने का। कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? रन किया आप लोग, जो लोग रन कराए हैं उनका रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये बताइए। यस सर, कर रहा रन सर सक्सेसफुली। यस सर, किया सक्सेसफुली, था रन। ठीक। अब जो लोग नहीं करा रहे हैं उनके लिए क्या करें? जो लोग नहीं रन करा रहे हैं उनके लिए क्या किया जाए? उनके पास कोई है ओपिनियन है, ऐसा क्या किया जाए कि वो रन कराने लगे? जवाब दीजिए, ऐसा आपको क्या कर दिया जाए कि जो लोग रन नहीं करा रहे हैं वो भी प्रोग्राम लिख के अब रन कराना शुरू करें, ऐसा क्या किया जाए? आपके पास है कोई ओपिनियन? हम तो अपने जितने भी ओपिनियन है वो सारे ओपिनियन को लेके आपको काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दिक्कत वाले चीज को जितनी बार दिक्कत होती है उतनी बार बताते हैं। अब बताइए आपके तरफ से क्या दिक्कत है, क्या करना चाहिए? मतलब कोई सजेशन भी नहीं है, मतलब हमको नहीं करना है मतलब नहीं करना है। ठीक है, आप अपना काम करते रहिए, ठीक है, हमको हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। ठीक, तो हम टीचर हैं ना, हम हाल पे भी नहीं ना छोड़ सकते हैं, हमारी पॉसिबिलिटीज जहां तक होगी हम आपको नॉक करेंगे, क्योंकि हम आपके बारे में हमेशा पॉजिटिव सोच लेके आगे बढ़ेंगे। हम ये मान लें कि आप सोच रहे हैं कि हम ना करेंगे तो हम भी यही सोच लेंगे वो तो करने वाला है नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम हमेशा आपको नॉक करते रहेंगे कि आपको प्रोग्राम लिख के रन करा के देखना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई आइडियाज है कि कैसे होना चाहिए तो वो भी बताइए, तो हम आपके सहूलियत के अनुसार सोचेंगे फिर।
चलिए एनीवे जो लोग नहीं लिखे हैं दोबारा उनसे रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम लिख लिख के रन करा लीजिए, ठीक है। और आप साथ में पढ़ रहे हैं तो आपके ग्रुप में दोस्त साथी होंगे, अगर दिक्कत हो रहा है तो दोस्त साथी के साथ भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं कर लीजिए, ठीक है। अगर उन सब चीजों के बावजूद भी दिक्कत रह जा रहा है तो आप क्लास में आके हमसे पूछ लीजिए, हम आपको स्क्रीन शेयरिंग की कोई भी परमिशन देंगे और आपके प्रोग्राम को सुधरवा देंगे। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं पोजीशन बिफोर को, जैसे कि हमने बताया, तो कंट्रोल इंसर्ट करेंगे तो कॉपी हो जाएगा और ठीक इसके बाद यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, तो पेस्ट हो गया। अब हम करते क्या है, इसमें पोजीशन बिफोर को पोजीशन आफ्टर बना देते हैं, पॉज से मतलब पोजीशन आफ्टर। और मैंने क्या कहा कि सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ यहां पे क्या हटा देना है, -1 -1 हटा दिया, ठीक है, बाकी सब चीज सेम। ठीक, यहां पे जाते हैं, एक प्रिंट एफ लगा देते हैं, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन इंसर्ट एट क्या पोजीशन, आफ्टर ठीक है। और वैसे ही लिखेंगे हेड इज इक्वल टू आई एन एस अंडर स्कोर पोजिशन आफ्टर हेड, और फिर ट्रावर्स को भेज देंगे हेड के लिए। ओके, ये बन गया। ओके, सो ये रेडी हो गया, हम इसको रन कराते हैं और रन करा के चेक कर लेते हैं। 1 यस, 2 यस, 3 नो, तो आ गया 1 2 3। कहा कि जो डाटा दीजिए नया नोड का, हमने दे दिया 44, ये चला जाएगा फर्स्ट पे, हमने दे दिया 55, ये चला जाएगा लास्ट पे, हमने दे दिया 122, ठीक है, ये पोजीशन बिफोर करेगा, हमने दे दिया पोजीशन 4, ठीक है, तो ये चला गया चौथे पोजीशन के पहले, यानी खुद फोर्थ बन गया। अब हम जो देंगे वो 333 देते हैं और इसका पोजीशन देते हैं 5, ठीक है, 5, तो इसका मतलब है कि ये जाएगा 3 के बाद 44, 1 2 122, 3, और उसके बाद क्या आना चाहिए, 333 आना चाहिए। क्लियर? यस सर। आ रहा है यस तो सही है, ठीक सर। है। ओके, तो ये वाला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये वाला में कुछ नहीं है, सब वही है, कॉपी पेस्ट है, जैसे बताएं वैसे भी कर सकते हैं। और सिर्फ सी इज इक्वल टू जो पोजीशन -1 लिखा हुआ था उसमें -1 हटा दीजिएगा, और पोजीशन बी जो लिखा हुआ था बी को हटा के नाम क्या बदल दिए, पोजीशन ए एक। तो ये जो हमारा इंसर्शन का जो चारों क्रिटेरिया था हम लोगों ने पूरा कर लिया, ठीक है। सर, मेन मेन फंक्शन वाला। हाँ, मेन फंक्शन वाला दिखा देता हूं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, ओके, तो हम लोग अपना पीडीएफ खोल लिए, नोट्स खोल लिए यहाँ पे, ठीक है। और इसको नोट्स तो नहीं बोलेंगे, इसको पेज बोलेंगे, पेज खोल लिए। और यहां तक तो हो गया, तो एक नया बना लेते हैं आज के डेट में। यहां तक तो भेज दिए थे, अरे भेज दिए थे, अरे पीडीएफ भेज दिए थे। यस सर।
यस सर यस सर चलिए मान लिया कि ठीक है, अब हमको जो आज समझना है सिंगली में जो सीखना है वो सीखना है डिलीशन। डिलीशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्या नोड, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, मान लीजिए कि कोई आपका लिस्ट बना हुआ है और डिलीट करना है, ठीक। आवाज क्लियर है मेरी? यस सर यस सर ओके। तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि डिलीशन की, ठीक है। अभी हम लोग को पॉसिबिलिटीज में जाना है, पॉसिबिलिटीज। डिलीशन की पॉसिबिलिटीज कि सर आप, हो सकता है आप कहें कि हमको पहला को डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है? फर्स्ट नोड। हो सकता है आप सर कहें कि जो लिस्ट में क्या है लास्ट नोड है उसको भी आप कह सकते हैं कि डिलीट कीजिए। या एक तीसरी पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो सर्टेन पोजीशन पे है ठीक है, यानी दूसरा को डिलीट कीजिए या तीसरा को डिलीट कीजिए, ठीक है। तो तीन सिचुएशन इसमें आया, कितने सिचुएशन आए, कितनी पॉसिबिलिटीज आए? तीन। क्या फर्स्ट नोड डिलीशन, दूसरा लास्ट नोड डिलीशन, लास्ट और थर्ड, ठीक है, गिवन पोजीशन डिलीशन अकॉर्डिंग गिवन पोजीशन, डिलीशन ऑन सर्टेन पोजीशन। ठीक है, या इसे हम मिड पोजीशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मिड पोजीशन? ये इसका मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हो गया, ऐसे मिड करना सही नहीं है, मिड एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, पोजीशन वाइज ही सही रहे। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। हाँ, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यानी अगर फर्स्ट लास्ट नहीं है तो बीच में आप जो भी दीजिए, दूसरा को बोलिएगा तो दूसरा को करेंगे, तीसरा को बोलिएगा तो। मान लीजिए कि ये आपके चार चार ही नोड का आपके पास लिस्ट है, मान लेते हैं, तो एक तो ये है कि पहला नोड को डिलीट कीजिए, हो सकता है ना? यस सर। यूजर ने कहा कि पहला नोड को हटाइए, एक कहेगा कि नहीं अंतिम वाला नोड को डिलीट कीजिए, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज। यस सर। और एक कह रहा है कि नहीं बीच में ना पहला को करना है ना लास्ट को करना है, बीच में जो नोड है ना उनका हम पोजीशन देंगे, उस पोजीशन के नोड को हटाइए, ये भी हो सकता है ना? यस सर। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है, इन्हीं तीन पॉसिबिलिटीज पे हम लोगों को काम करना है। तो सबसे पहले अभी हम लोग सीखते हैं किसको, फर्स्ट नोड डिलीशन। अच्छा, नोड जो बना है वो स्टैटिकली बन रहा है कि डायनेमिकली बन रहा है? लिंक लिस्ट में जो नोड हम बना रहे हैं वो स्टैटिकली बन रहा है कि डायनेमिकली बन रहा है? डायनेमिकली बन रहा है। किस फंक्शन से नोड बना रहे हैं हम लोग? क्रिएट। नहीं, क्रिएट से तो ठीक है, क्रिएट से
नोड को बनाने के लिए क्रिएट के अंदर किस फंक्शन का इस्तेमाल करना है? मैलोक। एब्सोल्युटली राइट। और जो डायनेमिक मेमोरी बनता है उसे हम क्या कर सकते हैं? फ्री कर सकते हैं। और फ्री करने के लिए हमारे पास सी में कौन सा फंक्शन है? फ्री। तो इसका मतलब है किसी नोड को अगर डिलीट कर रहे हैं तो उसको हमको क्या करना होगा? फ्री। फ्री, ठीक है, क्लियर। फ्री के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, बताए हैं कि नहीं बताए हैं? यस सर, बताए हैं सर, बताए हैं। तो यहाँ पे डिलीशन में जब हम काम करेंगे तो हमें मैलॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? फ्री की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, सो सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं और चार का पांच का जितना भी बड़ा बना सकते हैं बनाइए, और अगर जरा भी दिक्कत हो तो बार बार पूछिएगा। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि ये बना हुआ है, बना हुआ है तो सर यहाँ पे एच होगा, ठीक है, हमको इसको डिलीट करना है। ठीक है, तो जब ये डिलीट हो जाएगा तो एच कहाँ होगा? जब ये डिलीट होगा तो उस समय डिलीट होने के बाद एच को कहाँ होना चाहिए? सेकंड वाले, सेकंड नोड, सेकंड वाले, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे, अगर हम एच को खिसका के आगे कर दिए तो ये डिलीट कैसे करेंगे? डिलीट करने के लिए फ्री करना होगा ना? यस सर। तो पॉइंटर तो चाहिए ना, और अगर फ्री में एच को अभी डाल दिए, ठीक है, तो एच को फिर इस पे कैसे भेजेंगे? क्योंकि जब यही डिलीट हो जाएगा तो लिंक तो टूट जाएगा। यस ठीक, जब यही डिलीट हो गया तो लिंक तो यहां से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं सर, हम एक जेड लेते हैं, ठीक है, और जेड को रख देंगे किस पे? कोई भी नोड पॉइंटर आप ले सकते हैं, हम जेड लिए, और जेड को हमने कहां रख दिया? एच पे, ठीक है, और फिर एच को कहा कि एच तुम खिसक के आगे चले जाओ, क्योंकि तुम जहां हो वो तो डिलीट होने वाला है। ठीक, तो इस एच को यहां से खिसका के कहां भेज दिए? से अगले वाले में, और उसके बाद फ्री फंक्शन को बुलाए, कहें कि फ्री तुम जो जेड जहां पे है ना उसको क्या कर दो? डिलीट कर दो, फ्री कर दो। ठीक है, फ्री कर दिए। अब पहला मेरा कौन बन गया? ये एच, लास्ट में निकलते समय इस एच को रिटर्न कर देंगे, हो गया मेरा डिलीशन। समझ में आ रही बात? यस सर, यस सर। ठीक है, तो इसको बनाया जाए, यही तीन लाइन मेन है इसमें, यही बेसिक लॉजिक है। तो इसका सीधे फंक्शन लिखा जाए, फंक्शन और एल्गो एक ही होता है, अगर एल्गो पूछे तो भी वही फंक्शन जो बता रहे हैं प्रोग्राम में वही लिख देना है, फंक्शन पूछे तब भी वही लिख देना है, और प्रोग्राम पूछे तब भी वही लिखना है, लेकिन मेन लगा के। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, वैसे एल्गो नॉर्मली एल्गो हम लोग सुडो कोड का इस्तेमाल करके करते हैं, लेकिन उस तरह से लिखे तो एक सुडो कोड लिखे फिर एक प्रोग्राम फंक्शन बनाए, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जबकि बहुत सारे एडवांस बुक में लिखा है कि अ फंक्शन कैन बी ट्रीट एज एन एल्गोरिथम, हम एक फंक्शन को एक एल्गोरिथम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट डिडक्टिंग एनी मार्क्स, बिना किसी मार्क्स को काटे हुए। ओके, सो लेट्स कम टू दी, यहां पे हम बनाते हैं नोड
पॉइंटर, डेल, और नाम क्या रख देते हैं फर्स्ट, और इसमें आपका लिस्ट आएगा, इसके अंदर एक ठो ले लेते हैं जेड, जेड बराबर क्या कर लेंगे एच, एच बराबर क्या कर लेंगे एच का नेक्स्ट, और उसके बाद क्या लिख देंगे फ्री, फ्री जेड, और निकलते समय किसको रिटर्न करा देंगे एच को, हो गया बन गया, और इसको मेन में जोड़ दीजिए यहाँ लास्ट में, ठीक है। बाद में इसको स्विच केस से भी आप कर सकते हैं, अभी हम डायरेक्ट बना रहे हैं, डिलीट फर्स्ट नोट, ठीक है। तो आपने हेड इज इक्वल टू कॉल किया डेल फर्स्ट को, और उसको कहा कि हेड ले जाओ, उसमें से पहला को डिलीट करो, लौटा दो, और फिर ट्रावर्स को दिया कि भाई डिलीट होने के बाद जो हेड बना है उसको तुम शो करके दिखा दो, दिखा दिया। अब रन करा लेते हैं, ठीक है, रन कराएंगे तो सब सब करेगा, ऐसा नहीं है कोई एक करेगा, करेगा क्रिएट से लेके लास्ट तक, हर बार स्विच केस देंगे तब हम चॉइस से कर सकते हैं। देखिए बिट्टू कुमार अभी आ रहा है, ठीक है, वन यस, टू यस, थ्री नो, पहला पे 22, ठीक है, लास्ट पे 44, ओके, पोजीशन बिफोर में कुछ दे देते हैं 55, पोजीशन 3 आ गया, इसमें दे देते हैं 77, पोजीशन 4 आ गया, ठीक है। और देखिए पहला डिलीट हो गया, आपको दिख रहा है पहला डिलीट हो गया, यानी था 22, 155, 277, 34, और जब पहला डिलीट किया तो क्या बच गया 155, 277, 344, सो इट्स वर्किंग, यस सर, यस, ठीक है। तो डेल फर्स्ट का काम हो गया, अब आते हैं डेल लास्ट। सर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अगर प्रोग्राम पूछ लेता है सर तो जिसका पूछेगा वही लिखना है, जिसका पूछेगा वही लिखना है, ना लंबा प्रोग्राम नहीं ना आ सकता है सर। ना ना नहीं, नहीं आएगा, ठीक है, जैसे आफ्टर फोर और डिलीशन का एक साथ पूछ लिया तो, तो अगर दो पूछेगा तो दो का जवाब देना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रिएट और ट्रैवर्स दीजिए, ठीक है, तो आपको ये क्रिएट वाला भी फंक्शन लिखना होगा और फिर ये ट्रैवर्स वाला भी यहां तक लिखना होगा, दो तक पूछ सकता है। वैसे दो हम बहुत रेयर देखे हैं, एक ही ज्यादातर देखे हैं, कोई एक पूछता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि फुल क्वेश्चन में दो तक आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर क्रिएट और ट्रैवर्स पूछेगा तो सिर्फ क्रिएट फंक्शन और ट्रैवर्स फंक्शन लिख के छोड़ देंगे, पॉइंट क्लियर, यस सर, यस। अगर कहेगा कि इंसर्ट के सारे पॉसिबिलिटीज को बताइए तो इंसर्ट के सिर्फ ये चारों लिख देंगे, क्या करेंगे ये चारों लिख देंगे, बाकी सब छोड़ देंगे, पॉइंट क्लियर, ठीक है। हालांकि इतना नहीं पूछता है, कोई एक ही पूछता है, इंसर्ट लास्ट या इंसर्ट फर्स्ट वाला पूछता है, वही ज्यादातर पूछता है, चार हम फिर भी एक सेफ ग्राउंड लेके आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर पूछे कि नहीं इंसर्ट पोजीशन बिफोर का बताइए तो सिर्फ पोजीशन बिफोर का जाएगा, ये वाला यहां से यहां तक, इंसर्ट फर्स्ट पोजीशन बताइए तो सिर्फ इंसर्ट फर्स्ट वाला जाएगा, ये वाला जाएगा सिर्फ यहां से यहां तक, सिर्फ इतना ही, ठीक है। इंसर्ट फर्स्ट और लास्ट बताइए सिर्फ, तो ये वाला एक, एक ये चला जाएगा और एक ये चला जाएगा, यहां दो दो फंक्शन जाएगा, समझ में आ रही बात, यस सर। आपको सब नहीं लिखना है, सब नहीं लिखना है, और ये मैंने पिछली बार ही 10 बार बोल दिया है कम से कम, सब आएगा भी नहीं, इतना बड़ा प्रोग्राम पूछेगा आपसे, पता चलेगा बनाने में 3 घंटा लग गया, 3 घंटा में हमको 5 सवाल का जवाब देना होता है, देना होता है ना, यस सर। यूनिवर्सिटी को भी पता है ना कि हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यस सर, क्लियर, ओके,
चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे वाले पैटर्न पे चलते हैं, एंड इसके बाद हम लोग सीखते हैं लास्ट नोट डिलीशन। किसको सीखते हैं? कालिदास का कहानी पढ़े थे प्रोग्राम का? हाँ ले लीजिए। इंसर्ट डिलीशन वाला ना? यस सर। ठीक है, वैसे कहिएगा तो हम इसको डाल देंगे आपके ग्रुप में, इसका कोडिंग। ये डिलीशन फर्स्ट वाला है, इसका ले लीजिए। इसको कंप्लीट होने के बाद डाल दीजिए सर। हम कह तो वही रहे थे कि सारा फंक्शन पहले कंपोज करके, ठीक है, आप लोग वन बाय वन करके लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सारा कंपोज करके एक बार डाल देंगे, ठीक है, जब सिंगली कंप्लीट हो जाएगा तो। ओके सर। ठीक है, हो गया। यस सर। मेन में लास्ट में ऐसे जोड़े हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, मेन वाला भी। ठीक है, हाँ चलिए लास्ट मोड। हाँ बोलो सर। यहाँ पे जैसे कि डिलीट फर्स्ट नोड कर दिए, हाँ, उसके बाद फिर सर डिलीट लास्ट नोड करेंगे तो फर्स्ट वाला भी डिलीटेड मिलेगा? कहे डिलीट मिलेगा, हाँ, पहले फर्स्ट करके लास्ट करेंगे तो फर्स्ट वाला गायब रहेगा, बिल्कुल रहेगा, सही बात है। अभी जो हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं उस आधार पे ना? यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल 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 एकदम वैसा ही होगा, पहले फर्स्ट को डिलीट करेगा फिर लास्ट को डिलीट करेगा। ठीक है, बाद में हम स्विच केस से भी बता देंगे इसको। ठीक है, अब हमको हमारा टारगेट जो है वो लास्ट वाला है। ठीक है, कौन टारगेट है? लास्ट। अच्छा, कालिदास का एक कहानी पढ़े होंगे कि वो एक पेड़ पे बैठ गए थे, लकड़ी काट रहे थे, यानी पेड़ काट रहे थे, और जिस टहनी पे बैठे थे ना उसी टहनी को काट रहे थे। सुने कि नहीं? यस सर। यस सर। तो कालिदास के साथ ही ना है? अब लो, तुम लोग ना पढ़े हो क्या जी? यस सर। सुने हो कि नहीं सुने हो? यस सर। यस सर। ठीक है, बाद में उनकी पत्नी देखी, उनको बहुत कोसी, ठीक है, कि कैसा मिल गया है, बेवकूफ हमको मिल गया है, फलान ढेकान, तो इनको ये बात लग गया दिल में। ठीक है, अब वो वहां से वो प्राण ले लिए, और प्राण लिए तो बहुत सारे काव्य की रचना उन्होंने कर डाली। यस सर। ठीक है, यानी उसके बाद वो क्या हो गया? विद्वान हो गया। Yes. ठीक, ओके। तो सीख इस कालिदास के इस से सीख ये भी जीवन में मिलता है कि अगर ऐसा हमको लगता है या दूसरे को लगता है कि हम बेवकूफ हैं और मूर्ख हैं, तो जीवन पर्यंत हम बेवकूफ और मूर्ख ही रहे ये भी जरूरी नहीं है। नहीं है, ठीक है, हम भी विद्वान हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इस ये जो संदर्भ बताने का जो पर्पस था वो लॉजिकल था, और कालिदास के उस चीजों से ये लग रहा था कि जिस टहनी पे बैठे हैं उसको नहीं काटना चाहिए, नहीं तो गिर जाएंगे। ठीक है, अगर हमको किसी टहनी को काटना है तो उस टहनी से बगल वाली जो टहनी है, ठीक है, जो उस पेड़ से जुड़ा हुआ है, उसके पीछे वाली जो टहनी है हम उस पे बैठेंगे और अगले वाले टहनी को काटेंगे तो हम गिरेंगे भी नहीं और काट भी लेंगे। Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. इसको बताने का ये पर्पस था कि हम तो हैं यहां पे और डिलीट करना है इसको, तो इसको तो दौड़ा के ले जाना होगा, यहां पे ले जाना होगा ना सर। तो अगर हम इसको दौड़ा के यहां ले गए और इसी से फ्री करा दिए तो फिर तो कालिदास वाला बात हो गया ना।
सर वो खाली ही रह जाएगा। तो फिर ई तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन ई कहेगा कि हमारे आगे अभी भी ये मौजूद है हमेशा, और ये है ही नहीं। तो नियम क्या है कि लास्ट को डिलीट करना है तो कहां पहुंचाना होगा? सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट, और सेकंड लास्ट पे भेजने के लिए लूप क्या बताए थे? अगर ये एच है, एच को तो छेड़ेंगे नहीं चूंकि ये फर्स्ट पे बनाए रखेंगे, एक एच के पैरेलल में हम क्या ले लेंगे? जेड। जेड, जेड, और जेड को हमको सेकंड लास्ट पे ले जाना है, तो एक कंडीशन बनाएंगे क्या, वाइल जेड क्या, जेड का नेक्स्ट, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, जेड का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, नल, और जेड को खिसका देंगे, जेड का नेक्स्ट। अब जैसे जेड पहुंचेगा यहां पे, ठीक है, ठीक, सेकंड लास्ट पे ले जाना है तो जेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट ना होगा जी, फर्स्ट लास्ट पे ना जेड का नेक्स्ट होता है, सेकंड लास्ट पे क्या होगा? जेड का नेक्स्ट का नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखवाए थे ना? यस सर, यस सर, ठीक है। तो जैसे जेड यहां पहुंचेगा, इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट इसमें क्या मिल जाएगा? नल। अब ये यहां पे रुक गया, अब रुक गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है जेड कि हम एक तो टी लेंगे और टी को कहेंगे टी तुम चले जाओ मेरे अगले वाले पे, कहां चले जाओ? मेरे अगले वाले। तो यहां पे चला आया टी, आ गया। उसके बाद कहा कि मेरा अगला वाला तो डिलीट हो जाएगा, तो जेड ने कहा कि जब अगला वाला डिलीट हो जाएगा तो मेरे नेक्स्ट में क्या हो जाना चाहिए? नल। नल, तो ये कहा कि हम अपने आप को अपडेट कर लिए और क्या रख लिए इसमें, नल। और उसके बाद कहा कि फ्री, तुम किसको फ्री कर दो? डिलीटेड, टी इज डिलीटेड, हो गया। यस सर, ठीक है। तो बस यही लॉजिक को ले जाके उठा के प्रोग्राम में डाल देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमको इसमें क्या क्या चाहिए, एक जेड चाहिए और एक टी चाहिए, ठीक है। और जेड को हम रख दिए एच पे, और वाइल जैसे चलाए थे, वाइल जेड का नेक्स्ट क्या नॉट इक्वल टू नल, जेड इज इक्वल टू जेड का नेक्स्ट, चला गया। यस सर, ठीक है, जेड का नेक्स्ट का नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद वो वाला लाइन क्या करेंगे, टी को कहेंगे कि तुम चले जाओ जेड के नेक्स्ट पार्ट पे, और जेड कहेगा कि मेरा नेक्स्ट, चूंकि अगले वाला तो डिलीट होने वाला है, तो मैं अपने आप मेरा अपने नेक्स्ट को नल कर ले रहा हूँ, और उसके बाद लास्ट में फ्री टी, और एच तो जैसे था वैसे ही रह गया, तो रिटर्न एच हो गया, बन गया। अब इसको लगा देते हैं यहाँ पे, डिलीट क्या नेक्स्ट का नेक्स्ट ना होता सर, कहाँ? हाँ ठीक तो है, कहाँ पे क्या है नेक्स्ट का नेक्स्ट? यस सर, ठीक है। और यहां लिखेंगे हेड इज इक्वल टू डेल क्या लास्ट हेड, फिर ट्रावर्स, that's it, okay, hello, हाँ,
क्लियर बन गया, रन कराया जाए। पहले तो सेव कर लेते हैं, कंपाइल जीरो रन, ठीक है। ठीक है नो, चार दे देते हैं, अब इसको कर देते हैं नो, 1 2 3 4 12, ठीक। ये दे देते हैं 44, लास्ट में जाएगा। ये दे रहे हैं 77, पोजीशन बिफोर, पोजीशन 4 दे देते हैं। ये दे दे रहे हैं 99, पोजीशन आफ्टर, पोजीशन 5 दे दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला डिलीट हुआ, डिलीट फर्स्ट तो 12 खत्म, और उसके बाद डिलीट लास्ट हुआ तो 44 खत्म, सही है? यस सर, यस सर। सो एवरीथिंग इज ओके? यस सर, यस सर। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए झट से। यस सर, हो गया, हो गया। नीचे वाला भी कर लीजिए मेन में। डन सर, ठीक है। अब 160 लाइन का कोडिंग हम लोग कर लिए हैं, आपके नीचे दिखाई दे रहा है। यस सर, ठीक है सर। 160 लाइन नहीं बल्कि आप 1600 लाइन का कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन आप में होना चाहिए पेशेंस। क्या होना चाहिए? पेशेंस, अपने पे भरोसा, ठीक है। और चीजें हो रही हैं तो ठीक है, ना भी हो रही हैं तो ये भरोसा होनी चाहिए कि हो जाएगी। तो 160 नहीं, आप 1600 लाइन का कोडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर, यानी मैं जितना जानता हूं उतना अगर मुझे कहिएगा कि बैठे बैठे लिखते रहिए तो मैं लिखता चला जाऊंगा। ये अलग बात है कि कुछ सर्टेन काम करने के बाद मेरा मन उबेगा, ठीक है, लेकिन मैं लिखता चला जाऊंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 1 टाइम में रन कर जाएगा, बाय चांस ही कभी दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो ये चीजें इसलिए हो गई है, एक तो इसका ये इफेक्ट है कि पढ़ाते पढ़ाते भी चीजें हो जाती हैं, ये भी उतना ही सत्य बात है कि बहुत दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं तो एक ही चीज को पढ़ाते पढ़ाते हो भी जाता है, ठीक है। लेकिन मैं कभी भी लॉजिक को रटने वाले बिहेवियर से मैं आज तक फॉलो नहीं किया हूं, हमेशा समझने वाले अंडरस्टैंडिंग वाले पे किया है। तो ये चूंकि मेरा अपना बने, इसके लिए हमने इसमें दिमाग झोंका, समझ बढ़ाया कि आखिर चीजें होती कैसी है और हो कैसे रही है, ठीक है। और जैसे ये चीजें समझ में आने लगे धीरे धीरे, तो हर नए चीजें बार, हर नई बात जो हमको मिलती गई उसमें मेरा दिमाग काम करने लगा कि ये पुराना वाला ऐसे हुआ था, ये नया वाला पूछ रहा है, अगर उसमें हम ऐसे करेंगे तो ये नया वाला चीज भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को भी करना होगा, ठीक है। लेकिन अभी तो आप लोग कोडिंग ही बहुत कम लोग कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि कोडिंग कीजिए, कोडिंग कीजिए, रन कराइए। चलिए नेक्स्ट कंपनी हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट पे। ना फर्स्ट करना है, लास्ट करना है, बल्कि पोजीशन पे करना है। ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड
लास्ट नोट, पहला और लास्ट को छोड़ के कोई भी हमको पोजीशन का नोट डिलीट करना है। तो मान लिया कि ये हमारा लिंक लिस्ट, ठीक है, ये आपका एच है, ठीक। और हमको जो डिलीट करना है, फर्स्ट और लास्ट नहीं है, मान लीजिए कि हम जो डिलीट करने वाले हैं वो पोजीशन हम इनपुट करा रहे हैं और वो पोजीशन है मान लीजिए थर्ड या फोर्थ, फोर्थ ही मान लेते हैं, फोर्थ ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस लिस्ट में फोर्थ कौन है, ये वाला है, यस सर, ठीक। लेकिन ये पोजीशन तो 400 भी हो सकता है, अगर लिस्ट लाखों का हो तो ये 400 भी हो सकता है, हो सकता है ना। अरे बोलोगे, यस सर, ओके। मतलब ये तो हम 5 का दिखा रहे हैं ना, ये तो 5 लाख का भी हो सकता है। हम कहेंगे 400 पोजीशन का नोट डिलीट कीजिए, तो हमको क्या पता कि 400 नोट कौन सा, यहां तो देख के बता दिए छोटा है। तो उस केस में हम थोड़ी गिनती गिनेंगे कि ये 400 है, तो कोई ठीक है ना ही। लिंक लिस्ट कहता है कि हमको किसी नोड का नंबर पता है, ठीक है, तो वही वाला उपाय लगाना होगा जो इंसर्ट वाला में किए हैं, काउंटर वाला। yes, क्या लगाना sir. होगा, yes, काउंटर वाला, ठीक है। यानी हम एच के जगह पे एक ठो जेड ले लेंगे, क्या ले लेंगे, जेड, ठीक, जेड को रख देंगे हम किस पे, एच पे। और एक तो काउंटर ले लेंगे शुरू में, क्या रख लेंगे, 0। और जेड को कहेंगे कि तुम एकदम लास्ट तक चलो जब तक नल ना हो जाओ, क्या ना हो जाओ, नल, तुम जब तक नल ना हो जाओ चलते रहना है, तुमको क्या करते रहना है, चलते रहना। तो इसका मतलब है कि इस लूप में अगर हम इस लूप को ऐसे लिखें तो ये लूप जेड को कहां ले जाएगा, एकदम नल तक ले, ठीक है। लेकिन ये करना नहीं है, ये तो हम अपने सहूलियत के लिए बना रहे हैं कि हम पूरा चला रहे हैं ताकि गिनती गिनने में आसानी हो। और एक गिनती गिनने वाला जो सी लिए है उसको कह रहे हैं क्या करते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। तो पहली बार जब जेड एच पे हुआ, चेक किया और यहां आया सी 1 हो गया, तो इसका मतलब कि सी का वैल्यू यहां पे क्या मिला, 1। और हम इसके अंदर चेक करेंगे कि डिलीट किस पोजीशन को करना है, 4, 5 जो भी हो, तो ये सी कहां होना चाहिए, उसके पास जो होना चाहिए उससे एक पहले होना चाहिए, एक पहले क्योंकि जिस डाल को काटना है वहां पे नहीं जाएंगे, उसके एक पहले रहेंगे। तो हम सी को कहेंगे कि तुम चेक भी करते रहो कि क्या तुम पोजीशन -1 के बराबर हो गए हो, तो कहा कि हाँ हम तो हो गए हैं, मान लीजिए ऐसा कहा, तो अब क्या होगा सर, ठीक है। तो मान लीजिए कि सी यहां पे है, फिर जेड यहां पे आया, तो सी कितना हो जाएगा, यहां पे 2, फिर जेड यहां पे आया तो सी कितना हो जाएगा, 3, और हमको जिसको डिलीट करना है वो पोजीशन यहां पे है ना, यस सर, ठीक है। तो इसको तो डिलीट करना है, तो कैसे क्या करेंगे सर, ठीक। तो पहले तो एक तो टी ले लेंगे और टी को कहेंगे कि तुम चले जाओ जेड के नेक्स्ट पे, कहां चले जाओ, जेड के नेक्स्ट, तो टी कहां आ गया, यहां पे आ गया, यस सर, जेड यहां पे रुका है तो टी यहां पे आया, यस सर, ओके। और अब जेड कहेगा कि टी तो डिलीट हो जाएगा, तो मेरे नेक्स्ट में अब टी का एड्रेस थोड़ी रहेगा, बल्कि जो डिलीट होगा उसके नेक्स्ट में जो एड्रेस है वो ना रहेगा,
नहीं समझे? यस सर। ये जब डिलीट हो जाएगा तो जेड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए? इस नोड का एड्रेस होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो टी को कहेंगे कि टी अभी तुम अपने आप को फ्री मत करो, पहले हमको अपडेट करने दो। ठीक है, तो जेड कहा कि हम अपने नेक्स्ट में एड्रेस जो है वो डाल लेते हैं टी के नेक्स्ट का एड्रेस। तो टी के नेक्स्ट में कौन पड़ा हुआ है? ये तो जेड जो या इसको कर रहा था, अब ये किसको करने लगा? वो लास्ट वाला को सर। ठीक है, अब कहेंगे टी को, ठीक है, कि तुम क्या हो जाओ? फ्री। फ्री, ये खत्म। ठीक है, और उसके बाद जो लूप चल रहा था वाइल का, उसको कहेंगे कि अब तुमको चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम तो हो गया, अब क्यों आगे बढ़ोगे? ब्रेक कर दो। ठीक है, ये लाइन थोड़ा नीचे हम लिख देते हैं, ये वाला लाइन। यही बेसिक लॉजिक है इसका, दैट्स इट, यही बनाना है, और क्या है। तो रन करा लिया जाए, आई थिंक वी हैविंग वेरी लेस टाइम, तो रहने देते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं क्या? ओके सर। ओके, ठीक है, बना बता दिए ही, एक बार और समझा के नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। ओके, चलिए ठीक है। ओके ओके देन, ओके।